आज संडे मॉर्निंग, सुबह सुबह हम वॉक करने के लिए गए थे तो बड़े प्यारे खूबसूरत मनाजर, ठंड ठंडी हवा और दरख्त इतने ऊंचे ऊंचे, ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी हवा चल रही थी, कसम से बहुत ही ज़बरदस्त फूल खिले हुए थे, लेमन लगे हुए थे और मौसमी भी लगे हुए थे, माल्टे भी लगे हुए थे और इतनी चीज़ें थी वही हुए माशाल्लाह से ये देखें इतने प्यारे फूल हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली, मैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कसम से दिल तो मेरा कर रहा था वहाँ पे चार पाई हो और चार पाई बिछा के मतलब सो जाए, इतने मज़े की नहर, ऊपर पौधे, दरम्यान में सड़क और क्या 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 कहते हैं, ठंडी हवा और सुबह सुबह परिंदों की चहचहाहट, बहुत ही मज़े का मतलब क्या कहते सीन था। हाँ जी, तो कभी कभी बंदे को निकलना चाहिए, अब वॉक करने के लिए तो हम कहते ये छोटा कट्टा हमारे पीछे चला गया, साधना इन टाइम पे उठ गया, फिर हमें उसे लेकर जाना पड़ा, उसने एक कदम नहीं चला, फिर हमने दोनों को उठाना पड़ा। यहाँ पे ये देखो माल्टे लगे हुए हैं, माल्टे के ऊपर माशाल्लाह बड़ा फल है इसके ऊपर ना, तो उसे लेकर जाना पड़ा हमें, तो फिर उसने एक कदम नहीं चला, उसने फिर सुबह सुबह हमारी वो वॉक करवा कि हमारी वॉक से ज़्यादा हमें थक गए, बहुत ही ज़्यादा उसने हमें थका दिया। तो क्या मैंने उसे फीटर में कहा पिला दूँ, लेकिन जैसे मैंने उसको फीटर पिलाया वो जिन की तरह उठ के बैठ गया, कहता फिर मैं भी साथ चलूँगा, बाकी बच्चे तो सोए हुए थे, फिर वो उठ के फिर उसे साथ ले जाना पड़ा। यहाँ पे ये देखो परिंदों के लिए खाने का इंतज़ाम भी है और दाने दाने का इंतज़ाम है, पानी पीने के लिए ना, ये साथ ही छोटी सी नहर है और साथ ही ये देखिए ऊपर तक नहर, साथ में ये रोड पहले कच्चा होता था पक्का होता, हम भी किसी जमाने में यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉक किया करते थे, इतना आते थे यहाँ पे, अब तो हाउसिंग स्कीम्स बन गई हैं, कलोनियाँ कट गई हैं, चलो फिर भी बहुत ही अच्छी मनाजर है और नहर है इसके ऊपर, ये देखो ऊँचे ऊँचे इतने प्यारे पेड़ हैं, देखिए बहुत ही ऊँचाई तक सफ़ेदे के दरख्त तो बहुत ही वो आगे लगे हुए, मैं आमना और ना वो देखो हम साथ वहाँ खड़े हुए, एक कदम नहीं चला मोहम्मद साद, एक कदम भी चला हो मजाल है उसने, वो एक कदम ये देखे माशाल्लाह, इतनी प्यारी यहाँ पे हवा चल रही थी ना, दिल कर रहा यहाँ पे चार पे तो बंदा उसके ऊपर ही लेट जाए, कोई बेंच शेंच हो चलो उसके ऊपर ही बैठ जाए, दिल नहीं कर रहा था मेरा तो कसम से घर आने को, इतना पुरसकून माहौल था, बहुत ही ज़्यादा ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना कभी इक्का दुक्का कोई कोई मोटरसाइकिल गुजरता, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर ना ज़्यादा रश ट्रैफिक ना का बिल्कुल नहीं होता। तो बहुत से लोग वॉक कर रहे थे, बहुत सी आंटियां थी जो वापस घर को जा रही थी, स्कूल के आस पास फसली फसली हुआ करती थी और मैं आगे कुछ शामजार और उसकी बहन हम सब यहाँ पर आया करते थे, ये दफ्तर था बहुत ही बड़ा, अभी साथ ही लगा हुआ है, लेकिन अभी साइड पे ना घर वगैरह बन गए, दूसरी साइड पे अभी फसली हैं, तो हम ना क्या कहते हैं साइड पे यहाँ पे गंदम की खेत हुआ करते थे, गंदम और पास, तो यहाँ पे हम ट्यूबवेल के एक ऊपर बैठा करते थे, कभी कभी ट्यूबवेल चलता भी होता था, मूलियाँ साथ लगी थी उसी, वो वहाँ से लेकर अंकल से पूछ के खाड़ के यहाँ पे धो के खाया करते थे, क्या दिन थे वो भी, क्या दिन थे जो गुजर गए। अब वापसी हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया, बहुत ऊपर से राउंड लगा कर ट्यूबवेल को देख कर हम वापस घर में आ रहे हैं, ये टाइम आप लोग खुद ही नोट कर लें कितनी दिन चढ़ चुका है और कितना टाइम हो चुका है, तो अब बैग घर की तरफ हम वापस जा रहे हैं। उस चीज़ें ना बस देखने वाली होती हैं, वहाँ दिल नहीं करता बंदे का, वो नहीं, वो दिल करता बस आंखों को सुकून पहुँचता रहे, बस वो देखता रहे बंदा है ना, तो देखने के लायक ही होती हैं, तो इस तरह से वहाँ कहता है जब खामोशी हो और इंसान हो तो और कुदरती मनाजर है, ये देखेंगे क्या मेरा झुंड लग रहा था ना दरख्तों का, और हवा भी इतनी ज़बरदस्त, ये देखिए अभी नजर ही आ रहे होंगे मतलब दरख्तों के पत्ते हिलते हुए चल रही थी, और नहर में अभी कुछ पानी कम है, तो इतना ज़्यादा पानी था कि बाहर किनारों से बाहर पानी आ रहा था,
आप लोग बताइए, कभी कभी बंदे को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ना, तो फ्रेश होने के लिए मूड फ्रेश हो जाता है, जहन तबीयत फ्रेश हो जाती है। घर के झंझट तो झमेले ख़त्म ही नहीं होते। ये वही पार्क आ चुका जो हमारे घर के पास ही है, यहाँ अक्सर मैं आप लोगों को सैर करवाती रहती हूँ। तो यहाँ से हम फिर ना शॉर्टकट थोड़ा सा ले लिया कि चलो इसके अंदर से ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते जाते पानी अभी आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो फिर मजदूर बंदा पहले उठा के पानी लेने आ जाएगा। कसम से पाकिस्तानी औरतें जितना काम करती हैं ना, अलामिया ने ना बस इनको जन्नत में लेकर जाए बगैर साफ साफ। जो सुबह से मशक्क़त इनकी शुरू होती है शाम तक चलती रहती है। बच्चों की फरमाइशें, हस्बैंड की फरमाइशें, इसको इसकी फरमाइश, तो उसकी फरमाइश, लेकिन उन्होंने सताइयाँ बुद्धे जो कोई एक बंदा भी राज़ी नहीं होता। गाल इतने आकर मुक जाती हस्बैंड सिर कण जाके। तो यहाँ बड़ा पुरसकून माहौल का समझा, अगर मेरा लड़का हो तो मैंने चार पे उठा के यहाँ पे ले आनी थी। यहाँ पे अमरूद भी लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे पार्क में ना होना एक साइड पे अमरूद लगे हुए हैं, दो तीन मतलब अमरूद के जो पौधे हैं यहाँ पे।